नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंगल और मैं हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए। देखिए दोस्तों, आज हमारा सेवन्थ लेक्चर है। हम अभी तक 6 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं इस सीरीज़ के अंदर। हमारी जो सीरीज़ है वो आरएस मेंस 2018 की है और मैं आपको जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग और मैनेजमेंट। जैसा दोस्तों मैंने बताया था आपको, क्योंकि हमारा मेन जो कोर एरिया है वो कॉमर्स है, मेरा यूपीएससी के अंदर ऑप्शनल भी कॉमर्स ही है, ठीक है। और मैं कॉमर्स पढ़ते पढ़ते अराउंड 10 ईयर्स हो चुके हैं, सीए के अंदर भी पूरा का पूरा कॉमर्स ही होता है, आपको पता है। तो कोर एरिया है, इसलिए फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ये चीज़ पूरी की पूरी, ये जो टॉपिक्स हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को कई बार दिक्कत आती है आरएस मेंस में, तो इसके लिए पूरी सीरीज़ बना दें। और कॉमर्स से रिलेटेड जो जो टॉपिक है, जैसे मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग और एक इकोनॉमिक्स, तीनों के तीनों मैं आपको पूरे कवर करा के दूंगा, चाहे वो इकोनॉमिक्स फिर राजस्थान की इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो इंडिया की हो, चाहे वो वर्ल्ड की हो, ठीक है। आपको पता है कि अपना आरएस मेंस जो है, आरपीएससी अपनी डेट डिक्लेयर कर चुकी है दिसंबर के अंदर, ठीक है। अगर आप फिर मतलब कभी और के लिए भी तैयारी कर रहे हैं बाद के लिए भी, तो ये तब भी ये वीडियो मतलब सेम रहेंगे, क्योंकि क्या है कि आपको पता है मैनेजमेंट और अकाउंटिंग के अंदर ऐसा कोई चेंज आता नहीं, अपडेट आता नहीं है, ठीक है। तो ये जो वीडियो है जो अपन बना रहे हैं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए हैं, तो ऐसा कोई इसमें कोई इशू नहीं है कि आपको हिंदी इंग्लिश के अंदर कुछ अलग अलग फर्क पड़ेगा। जो आज अपना टॉपिक लेंगे वो अपन आरएस मेंस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पेपर नंबर 1 का यूनिट नंबर 3 पार्ट सी, ठीक है। यूनिट नंबर 3 यही है, इसके अंदर तीन पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। अगर आपने मेरी बुक ली है जो मार्केट में मिल रही है अभी, जीबीटी पब्लिकेशन के नाम से, ठीक है, आप ले सकते हैं इसी पार्ट की। पार्ट ए बी सी तीनों उसमें कवर है। पार्ट ए के अंदर सोशियोलॉजी है, पार्ट बी के अंदर मैनेजमेंट है, और पार्ट सी के अंदर जो है अपना ये वाला पोर्शन है आपका अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो आप ले सकते हैं चाहे तो। अगर आप नहीं भी लेना चाहते और आप ये मेरी सीरीज देख रहे हैं इसको रेगुलरली, तो भी आपको उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अपना आज जो अपने टॉपिक उठा रहे हैं वो उठा रहे हैं अपन ऑडिटिंग के अंदर इंटरनल ऑडिट या इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। अपन दो टॉपिक करने की कोशिश करेंगे आज, इंटरनल कंट्रोल एंड बेसिक्स ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है। आज ये दो टॉपिक अपन करेंगे दोस्तों। अगर आपको याद होगा तो मैंने पिछले क्लास में भी आपको ऑडिट वाला पोर्शन कराया था, और अपन ने जो टॉपिक लिए थे वो लिया था मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, ठीक है। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट अपन ने पिछली क्लास में देखा था, और साथ में अपन ने देखा था सोशल ऑडिट, ठीक है। ये अब की बार जो है मेंस 2018 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि मेंस 2016 में से इन टॉपिक में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। अगर आप मेंस 2016 का पेपर उठाओगे तो इन चारों टॉपिक्स में से केवल एक क्वेश्चन आया है, वो भी इसके अंदर, वर्किंग कैपिटल के अंदर। अपन देखेंगे वो बाद में क्या क्वेश्चन है, पूछा गया है नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, तो आप क्लास के एंड में वो आंसर दे पाएंगे आराम से, बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन अभी तीनों पे क्वेश्चन नहीं आया है, तो मेरे को लग रहा है कि इन तीनों में से अब की बार ये अपनी आरपीएससी जो है ये उठा के दे सकती है। तो आपको तो खैर सारे टॉपिक पढ़ने, चाहे ये हो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी पढ़ना है, अगर इस बार क्वेश्चन आ जाए तो आंसर कर पाए अपन। पहले अपन दोस्तों स्टार्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से ही कर लेते हैं, चलो, ठीक है। वर्किंग कैपिटल जो है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में दोस्तों इसको बोलते हैं कार्यशील पूंजी। हिंदी में इसको बोलते हैं कार्यशील पूंजी। अब आप बोलोगे सर ये क्या होती है? देखो भाई, बिजनेस करने के लिए कुछ पैसा रिक्वायर्ड होता है, ये बात तो आप जानते हो। आप कोई भी व्यापार स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए पैसा चाहिए, ठीक है। आप सपोज करो कोई स्टेशनरी की दुकान खोलना चाहते हो, आपने बोला कि आरएस के बच्चों को काफी दिक्कत आती है, तो हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों के नोट्स बेचेंगे, ठीक है, और खुद के नोट्स बना के देंगे एकदम बढ़िया तरीके से, जो हमारे खुद के हैंड रिटन है, हमें कोचिंग के भरोसे रहना ही नहीं है। तो आपने एक दुकान खोलने का सोचा, तो आपको किसकी जरूरत है? आपको फोटोस्टेट मशीन के चाहिए पैसे, आपको एक दुकान किराए पे लेनी पड़ेगी, या खुद के लिए तो परचेज करनी पड़ेगी, आपको हो सकता है एक आदमी रखना पड़े, या फिर आप स्टार्टिंग में चलो खुद ही काम कर लोगे पूरा का पूरा फिर आपको लाइट पानी ये सब चीज़ें जो है अरेंज करनी पड़ेगी, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको खर्चे की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, ठीक है। तो जो बिजनेस के अंदर डे टू डे मतलब रोजाना की रोजाना पैसा रिक्वायर्ड होता है,
उसे अपन कहते हैं वर्किंग कैपिटल। बिजनेस में दो तरीके से कैपिटल रिक्वायर्ड होती है। कैपिटल को हिंदी में क्या कहते हैं? पूंजी। ठीक है, बिजनेस में दो तरह की कैपिटल होती है, एक होती है फिक्स कैपिटल, स्थाई पूंजी, और एक होती है वर्किंग कैपिटल, मतलब कार्यशील पूंजी। अब मैं वर्किंग कैपिटल को शॉर्ट में WC लिख दूंगा ताकि अपना टाइम बचे। तो फिक्स कैपिटल क्या होती है? वो पैसा जो बिजनेस के अंदर क्या है, लंबे समय के लिए लगा है। जैसे जैसे आपने बिजनेस में पैसा लगाया और क्या खरीदा? मशीन खरीदी, फोटोकॉपी मशीन खरीदी। आपने बिजनेस में पैसा लगाया और बिल्डिंग खरीदी, फर्नीचर खरीदा, काउंटर वाउंटर चाहिएगा ना अपन को दुकान के अंदर, अपनी दुकान खरीदने के लिए अपन को दुकान बनानी है। तो फिर अपन ने सपोज करो वहाँ पर लाइट वगैरह लगवाई, ट्यूबलाइट लगाई, बल्ब लगवाया, पंखे लगवाए, AC लगवाया, जो भी लगवाया, वो सारे कौन सा खर्चा है? फिक्स कैपिटल का खर्चा है। लेकिन दोस्तों आपको नहीं लगता कि आपको कुछ ऐसा बिजनेस, ऐसा अमाउंट भी चाहिए, इतना पैसा भी चाहिए जो आपके इनके अलावा जो डेली की डेली बिजनेस में काम आए? एग्जाम्पल जैसे आपको अब ये आप फोटोकॉपी मशीन खरीद रहे हो, ठीक है, ये जो मशीन है फोटोकॉपी मशीन है, उसके लिए आपको क्या चाहिए? पेपर। पेपर ऐसा तो है नहीं कि एक बार खरीद लोगे तो जिंदगी भर की वो जरूरत खत्म हो जाएगी। पेपर आपको हर 3-4 दिन में मंगाने पड़ेंगे या 2-3 दिन में मंगाने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे ग्राहक आएंगे तो फिर अपन से वो क्या लेके जाएंगे? फोटोकॉपी। तो अपन को पेपरों की जरूरत बार बार पड़ेगी। इसी तरीके से अगर अपन ने किसी स्टाफ को रख रखा है तो अपन को हर महीने उसको क्या देनी पड़ेगी? सैलरी देनी पड़ेगी, है ना। तो ये पेपर क्या हो गया? एक तरीके से रॉ मटेरियल बिजनेस का। पेपर क्या हो गया? रॉ मटेरियल। इसी तरीके से अगर आप सोचो, आपने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं हम हलवाई की दुकान खोलते हैं, ठीक है ना, आपने बोला कि हम हलवाई की दुकान खोलते हैं, हम आराम से कचौरी समोसे पकौड़ी बेचेंगे, ठीक है। वैसे ही पकौड़ी आजकल जो है वो ट्रेंड के अंदर है बिकना, ठीक है, हमारे बड़े बड़े नेता अच्छा अच्छा बयान देते हैं पकौड़ियों पे। तो पकौड़ी बेचने का अपन ने सोचा, अब बताओ पकौड़ी बेचने के लिए क्या चाहिए अपन को? कुछ तो फिक्स कैपिटल चाहिए। जैसे अपन ने एक दुकान खरीदने की सोची, या अपन ने ठेला लगाने का सोचा, थड़ी लगाने का सोचा, ठीक है, तो वो कौन सी कैपिटल हो गई? फिक्स कैपिटल। अपन को एक गैस की रिक्वायरमेंट होगी, चूल्हे की रिक्वायरमेंट होगी, ये सारी चीज क्या है? फिक्स कैपिटल है। लेकिन वर्किंग कैपिटल क्या है? सोचो अपन को पकौड़ी खरीदने के लिए क्या, पकौड़ी बनाने के लिए डेली की डेली बेसन चाहिएगा, ठीक है, तेल चाहिएगा, मिर्च मसाले चाहिएंगे, तो वो सारी कौन सी कैपिटल है? वर्किंग कैपिटल है। चाहिए नहीं चाहिए? इसी तरीके से मान लो अपन क्या है, जो पकौड़ी है उसके लिए अपन बर्तन धोने के लिए खुद नहीं धोना चाहते, किसी और को रखना चाहते हैं, तो अपन उसको सैलरी देंगे, तो वो भी हर महीने देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सैलरी भी क्या है? वर्किंग कैपिटल है। मान लो अपन ने क्या है, वो जो ठेला है या दुकान है वो किराए पे ली है, तो अपन को उस दुकान का क्या देना पड़ेगा? किराया देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। इसी तरीके से अपन को दुकान का बिजली का बिल, पानी का बिल देना पड़ेगा। तो ये सारे चीजें क्या होती है? वर्किंग कैपिटल। समझ में आ गया? वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन लिखवाऊंगी आपको, लिख लो चाहो तो। अमाउंट रिक्वायर्ड इन डे टू डे बिजनेस। अगर आप ये डेफिनेशन याद रखोगे तो आपको एग्जाम में क्या है, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और मैं अभी एक डायग्राम बनवाऊंगा बढ़िया वाला, आप एग्जाम में लिख के उस डायग्राम को बनाओ, मजा आ जाएगा एग्जामिनर को, ठीक है। अपन को ठीक है सिंपल डेफिनेशन याद हो, बस मेन बात क्या है, याद हो, ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। वो अपन से कोई CA तो कर नहीं रहा अपन, अपन लोग कोई, आप लोग कोई CA का एग्जाम तो दे नहीं रहे, तो बहुत ज्यादा डीप में पूछेगा, तो वो एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अच्छा, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला भी पूछा हुआ है आपसे एग्जाम में, तो वर्किंग कैपिटल निकालते कैसे हैं, फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। ये तो डेफिनेशन है, इसका क्या मतलब है कि वो पैसा जो दिन प्रतिदिन की आवश्यकता है, जिस पैसे की ना, जो अपने डेली की डेली जिस बिजनेस के अंदर नीड होती है, उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। समझ गए होंगे आप, है ना। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। अब यहां पे करंट ये बिजली वाला करंट नहीं है, ठीक है, यहां पे करंट है चालू। तो करंट असेट को हिंदी में क्या कहते हैं? चालू संपत्ति।
असेट मतलब संपत्ति, आपने पिछली क्लास मेरी देखी होगी तो आपको पता लग गया होगा, ठीक है। और संपत्ति और करंट लायबिलिटी मतलब क्या होता है, चालू दायित्व, ठीक है। अगर आपके पास आपका मोबाइल है तो वो आपकी क्या है, संपत्ति है, लेकिन आपने वो मोबाइल लोन लेके जो है वो खरीदा है तो वो लोन क्या है, आपका दायित्व है, लायबिलिटी है, वो आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो करंट असेट क्या होती है, वो संपत्ति, वो असेट जो, ध्यान समझना है ना, इंपॉर्टेंट है, करंट असेट क्या होती है, वो असेट जो एक साल के अंदर अंदर विद इन वन ईयर किसमें कन्वर्ट हो सकती है, कैश में कन्वर्ट हो सकती है। हमने ऐसी एसेट क्यों खरीदी है, क्योंकि हम उसे क्या करेंगे, कैश में कन्वर्ट कर देंगे। जिस भी फॉर्म में वो असेट होगी हम उसको किस में बदलवा लेंगे, कैश में। तो उस असेट को बोलते हैं करंट असेट। जैसे एक एग्जांपल लो, आपने यहां पे क्या खरीदे थे, आपने यहां पे सपोज करो वर्किंग कैपिटल के लिए आपने पेपर खरीदा था, ठीक है। तो क्योंकि आपको फोटोस्टेट करके उस पेपर पे उसको बेचना है, उसकी स्पाइरल बाइंडिंग करके आप उसको कंपाइल करके नोट्स को बिकवाओगे ना, बेचोगे। तो बताओ जरा, वो जो पेपर है उससे आपको नकदी मिलेगी नहीं मिलेगी, कैश मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ दिन के अंदर मिल जाएगा क्या, एक साल से ज्यादा वेट करना पड़ेगा क्या, नहीं। वो पेपर तो अपन डेली की डेली हो सकता है परचेज करें, अपनी फोटो कॉपी की दुकान बढ़िया चलेगी तो अपन हर 3-4 दिन के अंदर पेपर परचेज करेंगे और अपने पास ग्राहक आते रहेंगे, अपन उनको डेली की डेली वो फिर 2-3 दिन के अंदर अंदर वो चीजें बेचना चालू कर देंगे तो उससे अपन को पैसे मिलेंगे। तो वो पेपर किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक साल के अंदर अंदर कैश में। आप दूसरा एग्जांपल लो, अपन ने वो पकौड़ी वाला बिजनेस चालू किया था, ठीक है। तो अपन ने क्या खरीदे थे, बेसन खरीदा था, मिर्च मसाले खरीदे थे, तो ये सब क्या है, सामान है, ठीक है। ये सब क्या है, गुड्स होते हैं बिजनेस के लिए, रॉ मटेरियल। तो ये रॉ मटेरियल अपन क्या बना रहे हैं, उससे पकौड़ियां बना रहे हैं, तो रॉ मटेरियल से क्या बन रहा है, फिनिश गुड्स, ठीक है। बिल्कुल बढ़िया सा जो सामान बन के आता है उसे क्या बोलते हैं, फिनिश गुड्स। तो जैसे अपने घर में मम्मियां क्या करती है, जो आटा होता है उससे रोटी बनाती है, तो रोटी क्या है, एक फिनिश गुड्स है, उसको अपन खाते हैं, आटे को तो नहीं खाते ना डायरेक्टली, आटा लेकिन क्या है, रॉ मटेरियल, कच्चा माल। तो यहां पे जो बेसन है या ये जो मिर्च मसाले हैं, इनसे पकौड़ियां बन जाएगी और पकौड़ियां से अपन क्या कन्वर्ट कर लेंगे, पकौड़ियों से कैश हासिल कर लेंगे, पैसा हासिल कर लेंगे। तो बताओ जरा, वो जो बेसन है करंट असेट है या नहीं है, है, क्योंकि वो जो बेसन है उसको अपन 3-4 दिन के अंदर अंदर या डेली की डेली खरीदेंगे और डेली की डेली उससे पकौड़ियां बना के बेचेंगे। ऐसा तो नहीं कि एक साल से ज्यादा टाइम रखेंगे उस बेसन को, फिर तो खराब हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी संपत्ति भी होती है, ध्यान रखना, कुछ ऐसी असेट भी होती है जिसको अपन एक साल से ज्यादा टाइम के लिए रखते हैं बिजनेस के अंदर। जैसे आप एग्जाम्पल दो, कौन सी असेट है, आपको पता होना चाहिए, फिक्स, जैसे मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये लाइट वाइट जो अपन लगाई, ट्यूबलाइट वगैरह। ट्यूबलाइट जब अपन लगवाते हैं तो बिजनेस के अंदर हर साल थोड़े लगवाते हैं, एक बार लगवा दी छोड़ दी, 2-3 साल तक लगी रहेगी जब तक खराब नहीं होगी, हाँ बीच में खराब हो जाए तो बात अलग है। इसी तरीके से कोई मशीन परचेस करी, 4-4, 5-5 साल अपने लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह चलते रहते हैं बढ़िया तरीके से, तो वो भी तो मशीन ही है, ठीक है। बिल्डिंग, अपने घर को 20-20, 30-30 साल हो गए, 50-50 साल हो गए, उसको अपन ने क्या बेचा, क्या नॉर्मली नहीं बेचा, तो वो कौन सी असेट है, सारी की सारी फिक्स असेट है, ठीक है। तो बताओ वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है, करंट असेट। करंट असेट मतलब समझ में आ गया, वो संपत्ति जो एक साल के अंदर अंदर किस में कन्वर्ट हो जाती है, कैश के अंदर। तो एग्जांपल क्या लिखोगे आप करंट असेट का, अगर लिखना है तो आपको एग्जाम में, क्योंकि वो फॉर्मूला पूछेगा, यही तो क्वेश्चन था पिछली बार, उन्होंने क्या पूछा है, नेट वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब होता है। तो आपको एक तो ये डेफिनेशन दे दो वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब है, और आप एक फॉर्मूला दे दो, तो आपका आंसर हो गया। आपको 2-5 नंबर जितने का भी क्वेश्चन है उतने नंबर मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। करंट असेट क्या एग्जांपल लिखेंगे करंट असेट का, अपन स्टॉक, स्टॉक मतलब माल है ना, उसको बेचेंगे और पैसा ले हासिल करेंगे। डेटर, डेटर कौन होता है दोस्तों, कई बार अपन किसी लोगों को उधार माल बेचते हैं, ठीक है। तो जिनसे अपन ने उधार माल बेचा, जिनको बेचा, उससे अपन को पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, और एक साल के अंदर अंदर मिलेगा। आपने पकौड़ियों की दुकान खोल दी, या हाँ आपने पकौड़ियों की दुकान खोली, एग्जांपल लो, और मैं आपके दुकान पे पकौड़ी खाने आया, ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है, आपने बोला सर आप तो हमें पढ़ाते हो, तो चलो ऐसा करते हैं हम आपके उधार छोड़ देते हैं, तो मैंने आपसे 50 रुपये उधार रखवा लिए है ना,
ठीक है, तो मैं आपको 50 रुपये बाद में दे दूंगा। अब बताओ मैं आपके लिए क्या हो गया? डेटर। ठीक है, मुझे क्योंकि आपको पेमेंट करना है, आप अपनी बुक्स में मुझे किस नाम से दिखाओगे अकाउंट्स में कि रोहित सर से पैसे लेने हैं? तो रोहित सर कौन हो गए? रोहित सर आपके लिए, आपके लिए रोहित सर है डेटर। ठीक है, क्या आप रोहित सर से 1 साल बाद पेमेंट लोगे, 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट लो लोगे? अरे सर कैसी मजाक कर रहे हो, हम तो आपसे 1 साल के अंदर अंदर क्या 3-4 दिन बाद ही कॉल कर देंगे, आपको उठा के मैसेज कर देंगे कि सर आपने पकौड़ी खाई थी और पैसे नहीं दिए। ठीक है, तो मैं क्या हूं आपके लिए? डेटर। और लेकिन डेटर भी कौन सी असेट है? करंट असेट है। बताओ मैं आपके लिए असेट हूं या नहीं हूं? है, क्योंकि आप मुझसे पैसे लेने का राइट रखते हो। ठीक है, तो मैं आपके लिए क्या हुआ? संपत्ति, असेट। और अपन ले सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे बैंक में पैसा रखा है तो वो भी क्या होती है? करंट असेट होती है। बस इतने एग्जाम्पल आपको याद रखना है, अपन को कोई सीए वीए नहीं करनी है। करंट लाइबिलिटी क्या होती है? वो लाइबिलिटी जो 1 साल के अंदर अंदर अपन को क्या करनी पड़ती है? पे करनी पड़ती है। विद इन 1 ईयर जो अपन को पे करनी पड़ती है उसे क्या बोलते हैं? करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। 1 साल के अंदर अंदर जो दायित्व अपन को चुकाने होते हैं उसे क्या बोलते हैं? करंट लाइबिलिटी। सर कोई एग्जाम्पल दो बढ़िया सा। देखो देखो दोस्तों, मैंने आपसे क्या खरीदी थी? पकौड़ियां खरीदी थी और मुझे आपको 50 रुपये देने थे। ठीक है, तो आपने मुझे अपनी बुक्स में किस नाम से दिखाया? सर हमने आपको असेट नाम से दिखाया और डेटर बोलते थे। ठीक है ना, आप रोहित सर को क्या बोलोगे? डेटर। लेकिन आप सोचो कि मैं अपनी बुक्स में आपको दिखाऊंगा कि मुझे पेमेंट करना है, आपको 50 रुपये दिखाऊंगा ना मैं अपनी किताब में, तो मैं किस नाम से दिखाता हूं अपनी बुक्स में? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर क्या होते हैं? क्योंकि मुझे आपको वो अमाउंट को पे करना है तो मैं किस नाम से दिखाऊंगा? क्रेडिटर। सर कितने रुपए दिखाओगे? ऑब्वियसली बात है 50 रुपये। भाई जब आप मुझसे 50 रुपये मांगते हो तो मैं थोड़ा बोलूंगा कि मैं आपको 80 रुपये दूंगा, तो मैं भी कितने रुपए दिखाऊंगा? 50 रुपये। तो दोनों की बुक्स में डेटर क्रेडिटर का अमाउंट क्या होता है? सेम होता है। हाँ, अगर अमाउंट सेम नहीं है इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हो रही है या कोई झूठ बोल रहा है, वो बात अलग है ना। ठीक है, तो करंट लाइबिलिटी मतलब जो 1 साल के अंदर अंदर अपन को पे करनी होती है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको याद रखना है क्रेडिटर। या फिर आपने कोई बैंक से लोन लिया, आपने कोई बैंक से लोन लिया, लेकिन वो लोन कौन सा है? शॉर्ट टर्म लोन है। आप याद करो दोस्तों, मैंने आपको मैनेजमेंट की फर्स्ट क्लास के अंदर शॉर्ट टर्म फाइनेंस बताए थे। ठीक है, शॉर्ट टर्म और सेकंड फर्स्ट क्लास के अंदर लॉन्ग टर्म फाइनेंस डिस्कस किए थे और सेकंड क्लास के अंदर मैनेजमेंट की शॉर्ट टर्म फाइनेंस डिस्कस हुए थे। तो आप याद करो उसमें शॉर्ट टर्म फाइनेंस कौन कौन से थे, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह। ठीक है, तो अगर अपन ने बैंक से कोई लोन लिया शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, बहुत छोटे समय के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो वो भी कौन सी लाइबिलिटी होती है? करंट लाइबिलिटी होती है। तो बताओ दूसरी, इसका उल्टा क्या होता होगा? करंट लाइबिलिटी का उल्टा जस्ट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है ना, उसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। मान लो बैंक से लोन लिया, डिबेंचर इशू करे, तो अपन ने डिबेंचर ऋण पत्र के बारे में पढ़ा था लॉन्ग टर्म फाइनेंस के अंदर, अगर आपको ध्यान होगा। तो कंपनी क्या करती है? लोगों से, पब्लिक से लोन लेती है, लेकिन वो कई सालों के लिए लेती है, 5-6 साल बाद चुकाएगी, तो फिर उसे क्या बोलते हैं? अपन लॉन्ग टर्म लोन बोलते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया, वापस बताया तो हम पूरी चीजें। वर्किंग कैपिटल बताओ क्या होता है? वो अमाउंट जो बिजनेस में डे टू डे रिक्वायर्ड होता है उसे अपन बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। इसका फॉर्मूला क्या होता है निकालने का? करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट असेट के अंदर क्या क्या आता है? स्टॉक, डेटर, कैश। आप इतना याद रख सकते हो, स्टॉक, डेटर, बैंक का बैलेंस, ये करंट डेट, करंट असेट होती है। ठीक है, करंट लाइबिलिटी क्या होती है? वो लाइबिलिटी जो अपन को 1 साल के अंदर अंदर पे करनी होती है उसे बोलते हैं करंट लाइबिलिटी। बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? क्रेडिटर और शॉर्ट टर्म बैंक लोन है ना। ठीक है, तो आप इतना लिख दोगे तो आपके वो जो एग्जाम में 2016 में क्वेश्चन पूछा था वो आंसर हो गया। ठीक है ना, अपने आरएएस में ज्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अपन से कोई बड़ा क्वेश्चन पूछ ले इसी वर्किंग कैपिटल के ऊपर, तो अपन उसमें और क्या ऐड कर सकते हैं? ठीक है, वो मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूं। देखो दोस्तों, जो बिजनेस होता है, बिजनेसमैन, वो उसको बिजनेस करने के लिए कितने तरह के पैसे, कैपिटल की आवश्यकता है? 2 तरह की, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या है? लॉन्ग टर्म। और वर्किंग कैपिटल क्या है? शॉर्ट टर्म है। ठीक है, तो बिजनेसमैन ज्यादातर क्या करते हैं पता है आपको? वर्किंग कैपिटल के लिए बैंक से लोन ले लेते हैं। ठीक है, वर्किंग कैपिटल समझ में आ गया ना, किस चीज के लिए लोन लेंगे? ज्यादातर उनको सामान जो खरीदना होता है उसके लिए लोन ले लेते हैं। मैं आपको हमारे बिजनेस का एग्जाम्पल देता हूँ, बिल्कुल जो रियल एग्जाम्पल है वो। ठीक है, मेरे जो फादर हैं उनका काम है
घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का, आपने नाम सुना होगा कभी इसका, टी में ऐड आता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, हैं? और लाल घोड़ा चाय का, इसका भी आपने नाम सुना होगा, कई बार हेमा मालिनी इसका ऐड करती है, ठीक है? और एक वीनस सोप, ठीक है, वीनस साबुन आता है, सुना होगा कभी आपने नाम। तो हमारा इसका फिटनेस है, ठीक है, बिल्कुल रियल एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। तो होता क्या है कि हम इसके क्या है, एजेंसी है हमारे पास की। तो एजेंसी का मतलब क्या होता है, हमें जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री इसकी कानपुर में है और हमारे पास इसकी एजेंसी कहां पे है, जयपुर में है। हमें इससे माल लेके, इस फैक्ट्री से माल खरीद के डायरेक्टली जयपुर में जितने भी बड़े बड़े दुकानदार हैं या छोटे दुकानदार भी कह लो, सारे के सारे दुकानदारों को हमें बेचना होता है, चाहे वो होलसेलर हो गया चाहे वो रिटेलर हो गया, ठीक है? तो सारे के सारे शॉपकीपर जितने भी होते हैं, हम उनको क्या करते हैं, ये सामान सप्लाई करते हैं, ठीक है? अब मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें डेली की डेली, हम जो इन शॉपकीपर्स हैं उनको 1 लाख का माल बेचते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि हम इनको डेली की डेली 1 लाख रुपए का माल बेचते हैं, ठीक है? तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इतना माल खरीदना भी पड़ेगा। अब हम डेली की डेली वहां से, सोचो गाड़ी तो मंगा नहीं सकते कानपुर से डेली की डेली, ऐसा थोड़ी है कि भाई सुबह सुबह गाड़ी आ जाएगी 1 लाख रुपए की और फिर शाम को हम बेचते रहेंगे और फिर वापस से हम अगले दिन ऑर्डर देंगे और सुबह सुबह गाड़ी पहुंच जाएगी, फिर वो हमारे यहाँ पे उतार के जाएगी, फिर हम बेचना चालू कर देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। हमें करीबन 10-12 दिन का स्टॉक रखना पड़ता है गोडाउन में, तो हमें इस तरीके से 10 दिन का स्टॉक रखना चाहिए गोडाउन में। तो हम कितने रुपए का स्टॉक रखते हैं अपने पास, हमेशा 10 लाख रुपए का सामान रखते हैं, ठीक है? तो हम 10 लाख रुपए का, हम डेली की डेली गाड़ी नहीं मंगाते, माल नहीं खरीदते डेली की डेली, हम एक साथ 10 दिन का माल एक साथ मंगा लेते हैं, फिर उसको डेली की डेली बेचते रहते हैं बिजनेस के अंदर, है ना? अब सोचो 10 लाख रुपए का अगर अपन ने माल एक साथ मंगा लिया, ठीक है, तो अपन को 10 लाख रुपए चाहिए भी, क्योंकि हम जब इसको पेमेंट करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, मेन बात ये। तो हमने इसके लिए बैंक से क्या ले रखा है, हमने इसके लिए बैंक से सीसी ले रखा है। सीसी क्या होता है, कैश क्रेडिट। ये कैश क्रेडिट क्या होता है, ये दोस्तों वर्किंग कैपिटल लोन होता है। बताओ हमें लोन क्यों चाहिए, हमें सामान खरीदने के लिए लोन चाहिए। जो सामान हम खरीदेंगे उसका करेंगे क्या, बेचेंगे, तो जो सामान खरीद के बेचते हैं उसे बताओ क्या बोलते हैं, अपना स्टॉक, हिंदी में से कहते हैं माल या गुड्स इंग्लिश में, ठीक है? तो हमें गुड्स खरीद के क्या करने हैं, बेचने हैं, तो उसके लिए हमें 10 लाख रुपए का लोन चाहिए। तो बैंक वाले हमें लोन दे देते हैं, लेकिन बैंक वाले बोलेंगे भाई जब क्या सिक्योरिटी दोगे, तो हम बोल देते हैं, अब वो आप छोड़ दो कि भाई वो अलग पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, कि जो कैश क्रेडिट होता है उसके अंदर हम अपना स्टॉक ही, बैंक के स्टॉक जो होते हैं वही बैंक को, उसके कागज जो है बैंक को दे देते हैं, और बैंक बोल, बस बैंक आके चेक कर लेता है कि आपके पास 10 लाख रुपए का स्टॉक होना चाहिए और बैंक फिर उसके बेसिस पे लोन देता है। बस आपको इतना नहीं समझना लेकिन, है ना, आप तो केवल इतना समझो कि हमने वर्किंग कैपिटल के लिए क्या ले रखा है, बैंक से बताओ लोन ले रखा है, क्योंकि हमें बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए की आवश्यकता है, ठीक है? क्या ये 10 लाख रुपए बताओ ये हम चुकाते हैं या नहीं चुकाते, बिल्कुल चुकाते हैं। अब जैसे हमने 10 लाख रुपए का आज सामान मंगा लिया, ठीक है, अब सुबह सुबह सामान आ गया, हमने उसको बैंक को पे कर दिया 10 लाख रुपए, मतलब ये जो पार्टी थी फैक्ट्री की इसको पे कर दिया, बैंक से लोन लिया लिया, तो बैंक से हमारा लोन कितने रुपए का चल रहा है, 10 लाख का चल रहा है। अब ध्यान समझना आप, हमने शाम तक सामान कितने का बेचा, 1 लाख का बेचा, मान लो हमने सारा सामान नकद में बेचा, कैश में बेचा, 1 लाख रुपए हमारे पास आ गए, अगले दिन हम बैंक में जाएंगे और 1 लाख रुपए जमा करा देंगे। अब बैंक में हमारा उधार पहले कितने का था, 10 लाख का, अब उधार कितने का रह जाएगा, 9 लाख का। तो पहले हम कितने रुपए पे ब्याज दे रहे थे, 10 लाख पे एक दिन का, हमने सेकंड डे कितने रुपए पे ब्याज दिया होगा, 9 लाख पे, है ना? तो हमने एक स्मार्ट तरीका यूज किया, वरना कई लोग क्या करते हैं 10 लाख रुपए का इकट्ठा लोन ले लेते हैं, ठीक है? तो ये चीज सही नहीं है। आप क्या करिए, आप जितना पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं उतना ही रुपए पे ही ब्याज दें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है? तो फिर हम जैसे ही अगला दिन होगा तो फिर 1 लाख रुपए का माल बिकेगा, फिर वो पैसे हम अगले दिन उसके सुबह सुबह बैंक में जमा करा देंगे, फिर
तो फिर जो बैंक में हमारा लोन का बैलेंस है वो 10, अब 9 की जगह कितना रह जाएगा, 8 लाख रह जाएगा, तो बैंक हमसे 8 लाख रुपए भी ब्याज चार्ज करेगा। समझ में आ गया? तो ये सिस्टम चलता है किसका, कैश क्रेडिट का। तो ये वर्किंग कैपिटल लोन की कहानी थी पूरी की पूरी। तो आप एक डायग्राम मेरे साथ नोट कर लो जो आपको एग्जाम में बनाना है। अगर वर्किंग कैपिटल का कोई भी क्वेश्चन आता है, कुछ भी क्वेश्चन पूछता है, तो ये डायग्राम इतना बढ़िया है कि आप इसको हर जगह पे यूज कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल से क्या बनता है, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस को क्या कहते हैं शॉर्ट में, WIP। फिर उससे क्या बनता है, फिनिश गुड्स, तैयार माल। ये कच्चा माल था, ये कार्य प्रगति पे है। WIP मतलब क्या होता है, कार्य प्रगति पे है। फिर क्या बनेंगे, डेटर्स, और डेटर से क्या आएगा, कैश, और कैश से क्या खरीदेंगे अपन, रॉ मटेरियल। बताओ साइकिल चली नहीं चली, साइकिल चली। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले अपन ने कच्चा माल खरीदा। ठीक है, कच्चा माल खरीदा, कच्चा माल से अपन ने क्या बनाया, वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पे है। घर पे आटा आया, आटे से मम्मी ने तवे पे रोटी रख दी। तो वो जब तक तवे पे रोटी रखी है या मम्मी बेल रही है, तो वो रोटी क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस। अपन ऐसे थोड़ी है कि जो तवे पे रोटी रखी है उसको उठा के बोले खा लेंगे हम, तो अब चालू कर देते हैं खाना। नहीं, पहले उसको सिकने देंगे पूरा अच्छी तरीके से। तो जब रोटी सिक गई तो वो क्या बन गया, फिनिश स्टॉक। ठीक है, अब मान लो ये होटल होता तो रोटी को बेच देते, तो रोटी को बेच देते जो हमारे कस्टमर आ रहे हैं, तो उधार बेचते तो क्या बनते, डेटर। उनसे पैसे बाद में लेंगे, और जब पैसे आ जाएंगे तो फिर क्या आ जाएगा उससे, कैश। ठीक है, और फिर कैश से दोबारा क्या खरीदेंगे अपन, आटा। ये बिजनेस में चलता रहता है, इसे बोलते हैं अपन वर्किंग कैपिटल साइकिल, या आप इसे ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, तो आपको जब भी वर्किंग कैपिटल के क्वेश्चन आए तो ये डायग्राम बना देना। तो डायग्राम बनाने से दो तीन फायदे हैं, एक तो पेज भी बढ़ जाता है, ठीक है, और अपन को सम टाइम भी कम लगता है, और टीचर को भी मजा आता है। आप जितने एग्जाम में डायग्राम बनाएंगे मेंस के अंदर, ना केवल इस सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में नंबर उतने ही ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि कंपटीशन इतना अच्छा ज्यादा है कि डायग्राम जितने ज्यादा बनाओगे उसमें से नंबर अच्छे मिलेंगे। डायग्राम कहाँ से पढ़ो, डायग्राम NCERT में से निकालो। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो ओल्ड NCERT में अच्छे खासे डायग्राम दे रखे हैं, न्यू NCERT में भी पॉलिटी के अंदर डायग्राम दे रखे हैं। तो जहां डायग्राम मिले उसको कॉपी में बनाओ, नोट्स बनाओ और उससे पढ़ो। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर दो, मैं आपको बता दूंगा। तो वर्किंग कैपिटल का बताओ एक बार लास्ट बता दो क्या है, कार्यशील पूंजी, वो पैसा जो बिजनेस में क्या है, दिन प्रतिदिन जो पैसे की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। डे टू डे बिजनेस में जो पैसा रिक्वायर्ड उसे बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। फॉर्मूला क्या है, करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट असेट क्या होती है, वो असेट जो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी एक साल के अंदर अंदर उसे बोलते हैं करंट असेट। और करंट लाइबिलिटी जो एक साल से ज्यादा टाइम लेती है, नहीं सॉरी, करंट फिक्स असेट क्या होती है, फिक्स असेट मतलब जो एक साल से ज्यादा टाइम के लिए अपन खरीदते हैं, लाइक बिल्डिंग वगैरह। और करंट असेट का एग्जाम्पल क्या है, स्टॉक। तो स्टॉक अपन बहुत कम समय के लिए खरीदते हैं, जैसे आपने देखा एग्जाम्पल हमारा घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, डेली की डेली माल आ रहा है, डेली की डेली बेच रहे हैं, तो वो क्या है, स्टॉक। समझ में आए? और करंट लाइबिलिटी क्या होती है, जो अपन को एक साल के अंदर अंदर पे करनी होती है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल है क्रेडिटर, ठीक है, या कोई शॉर्ट टर्म अपन ने बैंक से लोन ले लिया, जैसे अपन ने देखा था एग्जाम्पल में कि अपन ने वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लिया, CC लोन। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ नया टॉपिक अपना। ठीक है, ये वर्किंग कैपिटल आप देखना, बेसिक्स ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट टॉपिक है अपने RS मेंस में पार्ट सी के अंदर, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के अंदर। दोस्तों अभी अपन पढ़ रहे हैं अब इंटरनल कंट्रोल। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, ये टॉपिक है। ये इंटरनल कंट्रोल क्या होता है ये अपन डिस्कस करते हैं। देखो इंटरनल कंट्रोल मतलब वो पॉलिसीज, प्लान्स,
जिस जो किसने बनाए, प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। एंड टू कंट्रोल द बिजनेस। अब डेफिनेशन आपको भारी से लग रही होगी, भारी कुछ नहीं है दोस्तों, सिंपल है। वो प्लान जो किसने बनाए हैं, कंपनी के मैनेजमेंट ने बनाए हैं, कंपनी के प्रबंधक ने बनाए हैं। क्यों? जो बिजनेस के उद्देश्य हैं उनको पूरा करा जा सके, उसे बोलते हैं क्या? इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, वो प्लान्स, वो पॉलिसी है ना, अपन किसी भी काम को करने के लिए क्या बनाते हैं? प्लान बनाते हैं। आप आरएस में 2018 दे रहे हो तो उसको उसको पूरा करने के लिए क्या बना रहे हो? प्लान बना रहे हो कि भाई हम पहले पॉलिटी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, एथिक्स पढ़ेंगे, बिजनेस पढ़ेंगे, ठीक है, मैनेजमेंट पढ़ेंगे और ऑडिटिंग अकाउंटिंग भी पढ़ेंगे, सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो उसका अपन ने दिन फिक्स कर रखे हैं, इतने इतने दिन अपन को ये सब्जेक्ट पे टाइम देना है। तो ये क्या है? प्लान। क्यों बनाया प्लान? क्योंकि अपन अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए। अपना ऑब्जेक्टिव क्या है? आरएएस निकालना। ठीक है, तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हर किसी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना, ठीक है, या फिर अपने कस्टमर को सेटिस्फाई रखना, अपने एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई रखना, अपने अकाउंट्स को टाइम पे बनाना, ठीक है, एनवायरमेंट को बचाना, बहुत सारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो उन बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके जो उद्देश्य हैं, उसको पूरा करने के लिए जो मैनेजमेंट ने प्लान बनाया है, उसे अपन क्या बोलते हैं? इंटरनल कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, अब देखो इंटरनल कंट्रोल की जरूरत क्यों होती है। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, बिजनेस के अंदर कई बार फ्रॉड होने के चांस रहते हैं। कैसे? कि जो कंपनी का एम्प्लॉय होता है वो दूर होता है और मैनेजमेंट जो होता है वो भी दूर होता है उस एम्प्लॉय से। ठीक है, जैसे क्या, कैसे? आप बताओ, आप रिलायंस का नाम सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है? मुकेश अंबानी। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक बात बताओ, मुकेश अंबानी अपने घर में बैठे हैं मुंबई के अंदर, लेकिन क्या मुकेश अंबानी जो है वो पूरे समय नजर रखे हुए हैं क्या? जो अपने हर जगह पे उनकी ब्रांच है, जैसे जयपुर के अंदर भी है एक ब्रांच, या फिर मुंबई के अंदर तो है ही, और दिल्ली के अंदर है, और केरला के अंदर है, तो ऐसे तो सैकड़ों ब्रांच है उनकी, हजारों। ठीक है, तो वो हर जगह पे क्या पहुंच सकते हैं क्या एक समय में? नहीं पहुंच सकते। लेकिन आपने देखा होगा कि मुकेश अंबानी फिर भी क्या है, पूरा कंट्रोल इस्टेब्लिश करके बैठे अपने बिजनेस के, किस तरीके से कंट्रोल करके बैठे हैं अपने बिजनेस को, ठीक है, ताकि उनके बिजनेस में कभी नुकसान ना हो, उनकी असेट्स की चोरी ना हो, जो संपत्तियां उनके पास रखी है कैश स्टॉक, उसकी कोई चोरी ना कर पाए, उनके एम्प्लॉयज जो है उनके प्रति लॉयल हो। ठीक है, उनके एम्प्लॉयज के माइंड में एक भय बैठे, डर बैठे, किस बात का? कि अगर हम चोरी करेंगे, कोई गलत काम करेंगे तो हम पकड़े जा सकते हैं। ये सब सिस्टम किसने लगा रखे हैं कंपनी के अंदर इस तरीके से? मुकेश अंबानी ने। उन्हीं सिस्टम को क्या बोलते हैं? इंटरनल कंट्रोल। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कई कंपनीज क्या लगाती है बताओ? सीसीटीवी कैमरे। क्यों लगाती है? ताकि कंपनी के अंदर अगर कोई चोरी हो सके, चोरी हो रही है तो उसको पकड़ा जा सके, या फिर चोरी से बचा जा सके। ठीक है, तो इंटरनल कंट्रोल का काम क्या है? प्रिवेंट करना, डिटेक्ट करना, किसको? फ्रॉड एंड एरर को। इंटरनल कंट्रोल का काम क्या है? फ्रॉड और एरर को डिटेक्ट करना। ठीक है, ये सीसीटीवी कैमरा लगाना ये इंटरनल कंट्रोल का एक तरीका है। ऐसे से इंटरनल कंट्रोल के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे मैं और आपको एग्जांपल देता हूँ। हम दोस्तों सुबह सुबह कॉलेज जाते हैं पढ़ाने, ठीक है, और हमारे कॉलेज का टाइम रहता है, आईसीजी कॉलेज है, इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ गर्ल्स, आपने सुना होगा, जयपुर के अंदर एसएफएस के अंदर है। तो इसका टाइमिंग रहता है 8 से 10। ठीक है, तो पहले मैनेजमेंट ने क्या कर रखा था? मैनेजमेंट केवल अटेंडेंस रजिस्टर पे अटेंडेंस लगवाता था। ठीक है, तो उससे क्या होता था, टीचर जो है 10-15 मिनट लेट आते थे, तो फिर क्लास लेट लेट स्टार्ट होती थी, बच्चे बैठे रहते थे।
लेकिन अब क्या तरीका है अपनाया गया है टीचर्स के, थोड़ा सा उनके ऊपर कंट्रोल इस्टेब्लिश करने के लिए। अब जो भी टीचर आएगा सबसे पहले अटेंडेंस लगाने जाएगा, और अटेंडेंस कैसे होगी, बायोमेट्रिक्स, ठीक है, फिंगरप्रिंट, थंब इम्प्रेशन, है ना, ये जो है अंगूठा लगाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद वो अटेंडेंस रिकॉर्ड हो जाएगी। अगर कोई टीचर रेगुलरली लेट आता है तो फिर उसके पास नोटिस आ जाता है, उसके जो सीनियर होते हैं टीचर, जो मेंटर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, वो बोल देते हैं भाई आप लेट क्यों आ रहे हो, पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ बताओ, एक कंट्रोल इस्टेब्लिश करने का तरीका हुआ, समझ में आ गया। तो बताओ, सीसीटीवी कैमरा और बायोमेट्रिक्स, बायोमेट्रिक्स कंट्रोल इस्टेब्लिश करने का तरीका है। इसी तरीके से आप कंपनी में दोस्तों देखते होंगे आईडी पासवर्ड, आईडी पासवर्ड भी एक कंट्रोल करने का तरीका होता है कंपनी के अंदर। मैं पहले बैंक में जॉब करता था, एचडीएफसी बैंक में क्रेडिट मैनेजर था, सीए था, तो इसलिए, ठीक है। तो हमारे बैंक में क्या होता था कि कई बार, है ना, कई जो एम्प्लॉयज थे, क्योंकि हमारी ब्रांच तो थी बिल्कुल आउटर एरिया में, थी उदयपुर में थी, तो वहां पे कई एम्प्लॉयज जो है वो लेट आते थे, है ना, ठीक है, 10-5 मिनट लेट आते थे। तो वो क्या करते थे, दूसरे एम्प्लॉयज को फोन कर देते थे कि भाई मेरी अटेंडेंस लगा देना। तो अटेंडेंस हमारे ऑफिस में कैसे लगती थी, वहां पे बायोमेट्रिक्स नहीं था, वहां पे आपको अपने सिस्टम पे जाना पड़ता था, मतलब कंप्यूटर पे टाइम पे पहुंचना पड़ता था, और सुबह 9 बजे का टाइम होता था, तो सुबह 9 बजे से पहले आप कंप्यूटर के अंदर अपने लॉग इन करो, ठीक है। तो कई लोग क्या करते थे, चालाकी कर देते थे कि जैसे ना मान लो खुद नहा रहे हैं और अपने ऑफिस के अंदर दोस्त को फोन कर दिया और उसको बोल रहे हैं यार मेरा, चल ये तू लॉग इन आईडी पासवर्ड ले ले और क्या कर तू, मतलब मेरी सिस्टम पे जाके अटेंडेंस लगा दे, तू जल्दी पहुंच गया ना इसलिए। तो सोचो आप, तो आईडी पासवर्ड किस लिए था, कंट्रोल के लिए, लेकिन जो एम्प्लॉयज हैं उनकी कॉल्यूजन की वजह से, एम्प्लॉय की मिलीभगत की वजह से वो कंट्रोल क्या होता है, कई बार ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अपन और एग्जाम्पल दे सकते हैं, बैंकों के अंदर रोटेशन ऑफ एम्प्लॉय, रोटेशन ऑफ एम्प्लॉय मतलब दोस्तों आपने सुना होगा जैसे बैंक के अंदर कभी भी, है ना, किसी एम्प्लॉय को एक जगह पे बहुत लंबा नहीं टिकने दिया जाता, 2-3 साल, 4-5 साल नहीं टिकने दिया जाते। क्यों, उसका रीजन क्या है, क्योंकि बैंक के अंदर एम्प्लॉयज के पास क्या है, सबसे बड़ी चीज पैसा, ठीक है, मतलब पूरा काम पैसे का है बैंकों के अंदर, पूरा काम मैनेजमेंट जो है अकाउंट्स के अंदर जो आता है, लोगों का पैसा आता है। तो हो सकता है कि जो बैंक के एम्प्लॉयज हैं अगर वो एक जगह पे बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम तक टिक जाएंगे तो वो ध्यान रख सकते हैं कि कौन सा पर्सन जो है वो पैसा कब जमा कराता है, कब निकालता है, और उसको वो खेल सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे मतलब बैंक की ही बात है, एक तो एक एम्प्लॉय था जो कैशियर था हमारा, ठीक है। तो उसने क्या किया कि जैसे एक पर्सन था वो अपना पैसा, कस्टमर होते हैं बैंक के अंदर जो आते हैं वो पैसा जमा कराते हैं, तो वो पैसा जमा कराते हैं और वो कस्टमर, है ना, हर 3-4 महीने के अंदर आके एक बार पैसे जमा कराता था, ठीक है। उसने दो वो जो एम्प्लॉय था बैंक का, वो 2 साल से उसी में था, कैशियर जो था वो उसको नोट कर रहा था, उस एम्प्लॉय को, उस मतलब कस्टमर को, कि वो हर 4-5 महीने, 3-4 महीने के अंदर आता है, हर बार नहीं आता। तो उसने क्या किया, जो कैशियर था उसके अकाउंट में से पैसा निकाला और उस पैसे को शेयर मार्केट के अंदर यूज कर लिया, ठीक है। क्योंकि पता कैसे लगेगा, इजीली पता नहीं लग सकता ना, क्योंकि वो जो पर्सन है वो अपने बैंक में आ रहा है कितने टाइम के अंदर, 4-5 महीने के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर बाद में, फिर हालांकि वो डिस्क्लोज हो गया था, वो फ्रॉड पूरा का पूरा ऑडिट के अंदर पकड़ में आ गया था। तो लेकिन आप देखो इसमें क्या हुआ है कि जो एम्प्लॉय है, जो बैंक का कैशियर है, वो एक कस्टमर के ऊपर लगातार निगरानी रख रहा है, वॉच रख रहा है कि ये जो कस्टमर है उसकी एक्टिविटीज क्या है, और उसको पता लग गया, क्योंकि वो 2-3 साल से एक ही ब्रांच में था, एक ही जगह पे था, तो उसको आराम से उसकी एक्टिविटीज का पता लग गया। इसलिए हम बोलते हैं कि बैंकों के अंदर क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयज का रोटेशन होना चाहिए। इवन अपन ने एशियंट हिस्ट्री की, मिडाइवल हिस्ट्री की बुक्स पढ़ी है, मिडाइवल हिस्ट्री की बुक्स में साफ साफ लिखा है जो अकबर था, अकबर द ग्रेट क्यों था, क्योंकि वो भी क्या करता था, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट, वो सॉरी रोटेट करता रहता था, किसी भी एम्प्लॉय को एक लंबे टाइम तक एक जगह पे टिकने नहीं दिया जाता था, ताकि क्या है कि वो एम्प्लॉय फ्रॉड ना कर पाए, ठीक है। इवन अशोका जो द ग्रेट हैं वो भी यही पॉलिसी अपनाते थे, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं एशियन हिस्ट्री के अंदर, मिडिवल हिस्ट्री के अंदर। मैं आपको एक और टेक्निक बताता हूँ इंटरनल कंट्रोल की, मैंडेटरी लीव्स की, ठीक है। मैंडेटरी लीव क्या होता है, आप अगर बैंकों में अगर आप जॉब करते हैं, आप तो नहीं करेंगे अब, है ना, आप तो आरएस बनेंगे,
लेकिन अगर आपका कोई नोन है बैंकों में जो जॉब करता है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि कई बार क्या हमेशा ऐसा होता है कि हर एम्प्लॉय को 1 साल के अंदर, अगर 1 साल उसका काम करते करते हो जाता है, तो उसे 7-8 दिन की छुट्टी में भेज दिया जाता है। कंपलसरी लेनी ही पड़ेगी भाई, जाओ तुम छुट्टी पे जाओ, है ना, तुम आराम से कहीं पे भी जाओ, छुट्टियां मनाओ, कश्मीर जाओ, कन्याकुमारी जाओ, जहां जाना है आराम से, इंडिया के बाहर जाओ, स्विट्जरलैंड जाओ, लेकिन जाओ इस बैंक से जाओ, 7-8 दिन मत आओ, ठीक है। तो क्यों भाई, क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि उसके जाने के बाद जो उसने काम किया है, उसके अंदर साल भर तक उसने जो काम किया है, हम उसको चेक करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम उसे क्या दे रहे हैं, मैंडेटरी लीव दे रहे हैं, छुट्टियां दे रहे हैं। मैंडेटरी मतलब क्या होता है, कंपलसरी। तो इससे क्या होगा, इससे उसके ने जो गलतियां करी है, जो उसने फ्रॉड करे हैं, गलतियों से बड़ी चीज क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, फ्रॉड। एरर्स और फ्रॉड में क्या डिफरेंस होता है कि फ्रॉड जो होते हैं वो इंटेंशनल एरर होती है, जिसमें आपकी मंशा ही खराब है, जिसमें आपकी इंटेंशन खराब है। तो अगर उसने कोई भी ऐसा काम किया है जो एरर मतलब कोई फ्रॉड किया है, तो वो पकड़ में कब आएगा, जब वो खुद एम्प्लॉय वहां पे उस टाइम पे नहीं है, ठीक है। अगर वो होगा तो हो सकता है कि वो चीजों को इफेक्ट करे, तो इसलिए उसको घर भेज देते हैं 7-8 दिन के लिए, और उससे पीछे से उसका आराम से काम चेक होता रहता है। उसके जो उसने मेल करी है, ईमेल करा है, जो रिसीव करे ईमेल, हो सकता है उसने किसी को पर्सनल ईमेल भेज दिया हो, है ना, बैंकों की कोई फाइल है उसने पर्सनली किसी को भेज दी हो, तो वो सारी चीजें चेक होती है ना। मैं आपको बैंकों का एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सब चीजें हर जगह पे अप्लाई होती है। बैंकों का ही क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि बैंक बहुत क्रूशियल होते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, इंटरनल कंट्रोल बहुत ज्यादा सॉलिड होना चाहिए। और एग्जाम्पल क्या होता है इंटरनल कंट्रोल का, और एग्जाम्पल होता है इंटरनल चेक। दोस्तों ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल चेक। इंटरनल चेक मतलब आप किसी काम को पूरा का पूरा एक जने को मत सौंपो। आप क्या करो, एक काम को ऐसे डिवाइड करो कि उसको 2-3 जने करें, किसी भी एक जने को पूरा का पूरा काम मत दो। अगर आपने एक जने को पूरा का पूरा काम दे दिया, तो फिर उसको ऊपर कोई देखने वाला नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप क्या करिए, एक काम को डिवाइड कर दो 2-3 पार्ट के अंदर, 2-3 जनों के अंदर डिवाइड कर दो। जैसे मैं आपको बताता हूं, बैंकों के अंदर कभी भी जो पर्सन कैश कैशियर होता है, जो पर्सन कैशियर होता है मतलब जो कैश रिसीव करता है, वो कभी भी कैश की अकाउंटिंग नहीं करता। मतलब कैश की फिजिकल कस्टडी जो होती है किसके पास रहती है, कैशियर के पास रहती है, ठीक है। और कैश की अकाउंटिंग का काम कौन करता है, अकाउंटेंट करता है। मतलब मान लो बैंक में 1 लाख रुपए आए, किसी कस्टमर कोई कस्टमर आया, 1 लाख रुपए देके गया, तो वो कैशियर ने 1 लाख रुपए गिने और उसको रख दिए। लेकिन 1 लाख रुपए आए, ये लिखेगा कौन बैंक्स की किताबों के अंदर, अकाउंट्स के अंदर? ये लिखेगा अलग पर्सन, अकाउंटेंट। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया, अगर ये कैशियर को ही अकाउंटिंग का काम दे देते, तो हो सकता है कैशियर क्या करता कि 1 लाख रुपए आए हैं और वो लिख रहा कितने के, 90,000 रुपए आए हैं, ठीक है, और 10,000 रुपए अपने जेब में ले जाके मतलब रख के चला गया, ठीक है। तो हो सकता है ये पॉसिबल हो कि वो 10,000 रुपये अपने पास खुद रख ले पर्सनली, और जो बैंक को दिखा रहा है कितने दिखा रहा है, केवल 90,000 आ रहे हैं, और उसने अकाउंट्स में भी कितना लिख दिया, 90,000 लिख दिया, ठीक है। हाँ, अब आप इससे क्या है, फ्रॉड के चांस कम हो जाते हैं इस चीज से। अगर आप क्या कर देते हैं, वर्क को डिवाइड कर देते हैं 2 या 2, 3, 4 पर्सन के अंदर, किसी एक पर्सन को पूरा काम नहीं सौंपते, तो इससे फ्रॉड के चांस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। लेकिन फ्रॉड के चांस ज्यादा कम होंगे जब आप एक ही पर्सन को शुरुआत से लेकर एंड तक सारा का सारा काम सौंप देंगे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। और इससे फायदा एक और होता है कि आप क्या कर सकते हैं कि अगर कोई पर्सन छुट्टी पे जा रहा है, तो फिर एक दूसरे को काम संभाला सकते हैं, तो सबकी सब आपस में नॉलेज रखते हैं, अगर दोनों की दोनों, ऐसा नहीं कि आप एक पे ही डिपेंड होंगे, ठीक है। और मैं आपको इसका एक और पॉइंट बताता हूँ यहाँ पे, कि इंटरनल चेक के बाद आपने सुना होगा दोस्तों कभी पीएनबी फ्रॉड के बारे में। पीएनबी फ्रॉड कौन सा था, इस पर्सन का नाम सुना होगा आपने, नीरव मोदी, सुना है। इसमें फ्रॉड कैसे हुआ था, कितने का फ्रॉड था, कई लोग कहते हैं 10,000 करोड़ का, कई लोग कहते हैं 11,000 करोड़ का, ठीक है, बट अप्रोक्स ये 11,000 करोड़ के आसपास का था। इंडियन एक्सप्रेस जो कह रहा था वो तो 22,000 करोड़ तक ले गया था, लेकिन फिर भी अपन 11,000 करोड़ की बात करते हैं। अब फ्रॉड क्या था,
नीरव मोदी की एक फर्म थी, कंपनी थी, जिसका नाम था गीतांजलि ज्वेलर्स। सुना होगा आपने नाम गीतांजलि ज्वेलर्स। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से, नीरव मोदी ने या गीतांजलि ज्वेलर्स ने, फर्म ने एलओयू निकलवाया। एलओयू क्या होता है? लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं गारंटी। मतलब नीरव मोदी को पंजाब नेशनल बैंक ने, जो महाराष्ट्र में ब्रांच थी पंजाब नेशनल बैंक की, उन्होंने गारंटी दी नीरव मोदी को कि आप कहीं से भी लोन ले लो, हम आपको कितने रुपए, मतलब हम आपको 10,000 करोड़, एग्जांपल लेते हैं, हम आपको 10,000 करोड़ रुपए की क्या देते हैं, गारंटी देते हैं। अब ये नीरव मोदी इस गारंटी को लेके किसके पास चला गया, ये इंडिया के बाहर इस गारंटी को, एलओयू को लेके चला गया एक्सिस बैंक के पास। एक्सिस बैंक के पास जिसकी ब्रांच है हांगकांग में और बैंकॉक में, मतलब थाईलैंड में। ये नीरव मोदी किसके पास लेके चला गया उस लेटर ऑफ अंडरटेकिंग को, किसके पास लेके चला गया, एक्सिस बैंक की हांगकांग और बैंकॉक की ब्रांच में। अब आप देखो कितना शानदार तरीका हुआ, ये एलओयू है क्या, गारंटी, ठीक है। अब नीरव मोदी ने लोन ले लिया किससे, एक्सिस बैंक से ले लिया। कितने रुपए का लोन ले लिया, 10,000 करोड़ का लोन ले लिया, और एक्सिस बैंक ने बोला भैया गारंटी, तो एक्सिस बैंक को गारंटी कौन सी दे दी, जो पीएनबी बैंक से नीरव मोदी को मिली थी, ठीक है। बाद में होगा क्या, अगर कल को नीरव मोदी एक्सिस बैंक को पे नहीं कर पाया खुद, तो उसकी जगह कौन पेमेंट करेगा बताओ, पंजाब नेशनल बैंक को पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे पंजाब नेशनल बैंक को इतनी बड़ी, पंजाब नेशनल बैंक ने नीरव मोदी को इतनी बड़ी गारंटी क्यों दी, तो सिंपल ये क्वेश्चन आना चाहिए आपके माइंड में। तो नीरव मोदी ने क्या किया, इनका डायमंड का बिजनेस था नीरव मोदी का, तो उन्होंने 10,000 करोड़ के डायमंड जो हैं वो किसको गिरवी रख दिए थे, पंजाब नेशनल बैंक को रख दिए थे। अब आप बोलोगे दिक्कत ही नहीं है जब पंजाब नेशनल बैंक के पास डायमंड रखे हैं। अब यहां पे दिक्कत चालू होती है। दिक्कत यह है कि जो डायमंड की वैल्यू है वो सही रिकॉर्ड नहीं है। मतलब मान लो जो डायमंड है 100 रुपए के हैं, नीरव मोदी ने उस डायमंड को कितने रुपए में दिखा दिया, 5,000 में दिखा दिया। इसे क्या बोलते हैं, डायमंड का ओवर वैल्यूएशन कराना। इसे क्या बोलते हैं, डायमंड का ओवर वैल्यूएशन कराना, ठीक है। तो नीरव मोदी ने अपने खुद के डायमंड जो हैं वो 10,000 करोड़ के नहीं थे, लेकिन उसको दिखा दिया कि 10,000 करोड़ के हैं, थे मान लो 100 करोड़ के, और उसको दिखा रहे हैं कितने रुपए में, 10,000 करोड़ में दिखा रहे हैं, और पंजाब नेशनल बैंक को वो जमा करा दिए, और पंजाब नेशनल बैंक से 10,000 करोड़ की गारंटी लेके, उस गारंटी को लेके चले गए एक्सिस बैंक में और इतने रुपए का लोन ले लिया। अगर कल को नीरव मोदी डिफॉल्ट करेंगे तो ये सारा का सारा पैसा जो है पंजाब नेशनल बैंक को देना पड़ेगा। तो यही हो रहा है अभी फिलहाल जो है, ठीक है। और वो इंडिया से भाग भी चुके हैं, आपको पता ही है। तो इसमें गलती क्या है, इसमें गलती ये है कि एक छोटी सी ब्रांच ने, जो पंजाब नेशनल बैंक की महाराष्ट्र की ब्रांच थी, इतनी बड़ी गारंटी, इतना बड़ा एलओयू देते समय क्या बड़े बड़े मैनेजर से, जो बड़े बड़े जो जीएम होते हैं, जो हेड ऑफिस में बैठते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, उनसे पूछना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं समझा क्या, या पूछा ही नहीं क्या, ऐसा क्या हुआ कि भाई पूछा नहीं, ठीक है। इवन जो ऑडिट होती है, जो सीए आते हैं बैंक के अंदर, क्या उन्होंने इसकी ऑडिट नहीं करी क्या, और जिसमें जैसे सामने आया था कि 5-6 साल से लगातार उस ब्रांच की ऑडिट ही नहीं हो रही थी। ये भी सामने आया कि जो 5-6 साल से लगातार जो ये पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच के जो एम्प्लॉय थे, उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली। बताओ आप, वो कंटिन्यूसली ऑफिस में आए जा रहे हैं, वो बिना छुट्टी के ऑफिस में आए जा रहे हैं। ऐसा क्यों आ रहे हैं भाई वो बिना छुट्टी के ऑफिस, मतलब संडे को भी बैंक खुल रहा है, आप सोचो। तो सिंपल सी बात है कि अंदर फ्रॉड हो रहा है, और अगर छुट्टी लेंगे तो हो सकता है कि वो कोई ऑफिस बाहर से आ जाए और कोई चेक वेक कर ले फटाफट से। तो इसलिए मतलब वो खुद डेली की डेली पूरा इंश्योर करते थे कि भाई फ्रॉड के अंदर कोई कमी नहीं आनी चाहिए, कोई चेक नहीं करना चाहिए। तो वो खुद जो एम्प्लॉयज है जिन्होंने पूरा फ्रॉड के अंदर साथ दिया, वो डेली की डेली ऑफिस आते थे। सोचो कि कोई बंदा लगातार इतने साल से छुट्टी नहीं ले रहा, तो ठीक है। तो ये पूरा फ्रॉड था। तो इसमें किसकी कमी पाई गई, इंटरनल कंट्रोल की पाई गई, है ना। इवन इसमें एक सॉफ्टवेयर होता है स्विफ्ट नाम का, तो स्विफ्ट के अंदर भी एंट्रीज जो है वो ढंग से रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो इतना अपन को डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतना आप समझ लीजिए। तो मैंने आपको कुछ बताए तरीके जिससे इंटरनल कंट्रोल कंपनी में सुरक्षित हो सकता है। और अपन इंटरनल कंट्रोल का और लेना चाहो तो और एग्जांपल ले लो,
इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट। दोस्तों बताओ इंटरनल चेक क्या था? काम को इस तरीके से डिवाइड करना कि एक पर्सन को वो काम पूरा का पूरा ना करे। इंटरनल ऑडिट क्या होता है? कंपनी के अंदर जो ऑडिट होती है उसे क्या बोलते हैं? इंटरनल ऑडिट, है ना। बस आप इतना समझ लो, ऑडिट कौन करता है? सीए करते हैं, ठीक है। तो अगर कंपनी के अंदर इंटरनल ऑडिट होती रहेगी, रेगुलर बेसिस पर ऑडिट होती रहेगी, हर महीने, हर दिन, हर 7-8 दिन के अंदर, तो फ्रॉड होने के चांस क्या होते हैं? कम होते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज के ऊपर डर बैठा रहता है कि यार हमारा काम जो है चेक हो रहा है। ऑडिट मतलब क्या होता है? अकाउंट्स को चेक करना, जांचना, ठीक है। तो काम किसका होता है? सीए का, ऑडिटर का। तो अगर ऑडिट होती रहती है तो उनके माइंड में एक डर बैठा रहता है कि भाई मेरा काम चेक हो रहा है तो मैं इस काम के अंदर गलतियां कम से कम करूं, ठीक है। समझ में आ गया? इंटरनल ऑडिट के आपको मैंने बता दिया डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल्स। ये पूछ सकता है एग्जाम में, तरीके पूछ सकता है एग्जाम में। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ सकता है इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड, वो इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड, वो मैं आपको बता देता हूं कि इंटरनल कंट्रोल की लिमिटेशंस क्या है, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या कमियां हैं इंटरनल कंट्रोल की। बताओ क्या कमियां लगी आपको? हो सकता है कॉस्ट ज्यादा हो और बेनिफिट कम हो। मान लो आप एक दुकान में गए, उस दुकान वाले ने पूछा आपसे, अंकल ने, कि भाई मेरे दुकान पे चोरी बहुत होती है, मैं क्या करूं? तो आपने बोला सीसीटीवी कैमरे लगा दो, है ना। तो चोरी होगी, चोर होगा पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि आपके एम्प्लॉय चोरी करते हो, तो कर्मचारी जो है चोरी करेंगे तो वो पकड़ में आ जाएगी। लेकिन आप एक छोटी दुकान पे गए, उधर एक छोटी सी चोरी हो गई और आपने उसको बोला तुम सीसीटीवी कैमरे लगा दो 4, तो वो क्या बोलेगा? भाई इतनी तो कमाई नहीं है, इतने कैमरे लगा लूंगा, फायदा क्या होगा? क्यों? क्योंकि क्या है, कई बार जो होती है कॉस्ट ज्यादा आती है इंटरनल कंट्रोल की और उसका बेनिफिट क्या होता है? कम होता है। तो ये लिमिटेशन है इंटरनल कंट्रोल की। दूसरी लिमिटेशन क्या है? जो एम्प्लॉयज होंगे कई बार क्या करते हैं, उसका कॉल्यूजन कर देंगे। कॉल्यूजन मतलब साठ गांठ। एम्प्लॉयज मिलके क्या करेंगे? पूरा कंट्रोल को पूरा डायल्यूट कर देंगे, तोड़ देंगे। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया HDFC बैंक के अंदर जो अटेंडेंस लगाने का सिस्टम था, ठीक है, ऐसा कोई कर सकता है, ठीक है। या फिर अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं किसका, कि यहाँ पे अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं PNB का। पंजाब नेशनल बैंक के अंदर इतना बड़ा घोटाला हुआ, बताओ ये पूरा स्कैम जो हुआ उसके अंदर किसकी कमी है? उसमें एम्प्लॉयज जो हैं सबके सब मिल गए, हो सकता है ऑडिटर भी मिले हों, हो सकता है कंपनी के जो मतलब PNB के जो डायरेक्टर हैं उनको भी बात पता हो, क्योंकि 11,000 करोड़ 12,000 करोड़ का जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, मतलब इतनी बड़ी गारंटी दे रहा है बैंक, छोटी सी ब्रांच ऐसे कैसे दे सकती है, ठीक है। तो एम्प्लॉयज के बीच में साठगांठ भी पॉइंट हो सकता है। तीसरा पॉइंट हो सकता है जो मैनेजमेंट है उसका कमिटमेंट नहीं है, मैनेजमेंट खुद ही नहीं चाहता, क्योंकि मैनेजमेंट ने खुद ने बड़ी बड़ी गलतियां कर रखी है, तो वो इंटरनल कंट्रोल एस्टेब्लिश ही नहीं करना चाहता, ठीक है। तो ये सारी बातें आप एग्जाम में 2-3 बातें लिख सकते हो और आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो जैसे, और हर चीज को अगर एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करोगे तो एग्जामिनर को भी मजा आएगा। तो इंटरनल कंट्रोल का बताओ फायदा क्या है? इंटरनल कंट्रोल का फायदा है, बेनिफिट्स अगर पूछे तो, जितना ज्यादा इंटरनल कंट्रोल अच्छा होगा उससे आपके जो असेट्स हैं वो सेफ रहेगी। बिजनेस में जो भी आपकी संपत्तियां हैं वो सेफ रहेगी, कैश चोरी नहीं होगा, स्टॉक चोरी नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें सेफ रहेगी। आपके जो अकाउंट्स हैं वो टाइमली बनते रहेंगे, टाइमली कंप्लीट होते रहेंगे। मतलब कैसे कि अगर आप मान लो ऑडिट करवा रहे हो रेगुलर बेसिस पे, तो फिर जो एम्प्लॉयज हैं उनके ऊपर प्रेशर रहेगा, वो अकाउंट सारे के सारे टाइम पे कंप्लीट करते रहेंगे, उसमें घोटाले कम से कम होंगे, ठीक है। तीसरी बात, कंपनी की जो गुडविल है वो क्या होगी? उससे इंक्रीज करेगी। जिस कंपनी के अंदर फ्रॉड कम होते हैं उस कंपनी गुडविल भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो ये सारे क्या है? बेनिफिट्स हैं इंटरनल कंट्रोल के, जो आपको याद रख सकते हैं। तो ये क्या थी? कमियां थी, लिमिटेशंस थी इंटरनल कंट्रोल की, जिससे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है आपका फेल हो सकता है। और ये कुछ फायदे हैं तो आपको याद रखना है, असेट्स की सेफ गार्डिंग हो जाती है, सेफ रहती है असेट्स, और जो अकाउंट्स हैं वो टाइमली कंप्लीट होते रहेंगे, और जो गुडविल है वो मेंटेन रहेगी। तो अपन ने आज 2 टॉपिक पढ़े, कौन कौन से? वर्किंग कैपिटल और इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो कुछ बताइए, लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों, बाय।